इवन स्कूल में बच्चों के टिफ़िन के लिए रोज़ रोज़ क्या बनाएं, बहुत झंझट लगता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो मैंने एक हेल्दी सा सोचा है लंच बनाने के लिए, तो चलिए आपके साथ शेयर कर लूँ। 2 चम्मच ले आए दही, उसमें कुछ बेसिक से मसाले डाले, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने टेस्टी सा सब्ज़ी मसाला भी इसमें ऐड किया। इन सब चीज़ों को लेके हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रात को मैंने 1/2 कप मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था, उसको वॉश कर लिया, जितने छिलके उसके निकले उतने निकाल दिए, जो नहीं निकले उनको वैसे ही रहने दिया। थोड़ा सा कद्दूकस करूँगी मैं गाजर को और लौकी को। गाजर, लौकी और मूंग की दाल का नाश्ता बनाएंगे और टिफ़िन के लिए पैक करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिच है। इन सब्ज़ियों को हम इस मूंग दाल के और दही के बैटर के अंदर डाल लेंगे। मूंग दाल को थोड़ा सा मैंने दरदरा सा पीस लिया है, अभी हम एक बार और इसको पीसेंगे, इसलिए ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया है। अगर मैं इसे बारीक पीसना चाहती हूँ तो मुझे इसमें पानी डालना पड़ेगा, और पानी मैं ऐड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि घिया भी अपना पानी छोड़ेगा और गाजर ने भी पानी छोड़ा है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको मिक्सर जार में डाल के और 2 चम्मच बेसन ऐड करके अब हम थोड़ी सी पानी के साथ, अगर ज़रूरत पड़ी तो, हम इसको मिक्सी में अब पीस लेंगे। उसके बाद हम इसे लोहे के तवे पर ही बनाएंगे। लोहे के तवे पर बनाने का ये फ़ायदा है कि इससे हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयरन भी मिल जाता है, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र किया, थोड़ी सी मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया और एक अच्छा सा पतला सा बैटर बना लिया। तवे पर डाला है थोड़ा सा ऑयल, तवे को गर्म करने के बाद, ठंडे तवे में बिल्कुल नहीं करना है। 3-4 चम्मच डालकर उसको मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। और देखिए, साइड से मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और एक अच्छी से स्क्वायर शेप मिल गई है। और अब हम इसको ढककर जब तक ये एक साइड से नहीं सिक जाएगा, लो फ्लेम पर सेकेंगे ताकि बहुत अच्छा सा क्रिस्पी बने और बिल्कुल भी कच्चा अंदर से ना रहे। अब मैंने इसे ढक दिया है, 2-3 मिनट बाद मैं चेक करूँगी और अगर हमें लगेगा एक साइड से सिक चुका है, अच्छे से सिकाई हो चुकी है, तो हम पलट कर इसको दूसरे साइड भी सिकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा तेल स्प्रेड कर दिया है और इससे क्या होगा, पूरा लोहे का जो आयरन है ना, वो भी हमारे इस टोस्ट के अंदर मिलेगा हमको। मूंग दाल है, बहुत अच्छा है। लौकी बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, हम इस तरह से उनको दे सकते हैं। और गाजर में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा है। एक साइड से सिक गया, जब नीचे से भी थोड़ा सिक गया, मैंने इसे बीच में कर दिया क्योंकि साइड में हो गया था ये, और अगर मैं गीले में ही इसको पलटने की कोशिश करती तो तवे पर चिपक सकता था। फिर से हम इसे ढकेंगे, दोनों साइड से हम बहुत अच्छे से सेक कर क्रिस्प कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बढ़िया से जो टोस्ट है ना, ये बच्चे खुश होकर खाते हैं। अब एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तवे को गर्म किया, उसमें डाला और उसको स्क्वायर शेप दे दी साइडों से, इस जैसे हमने पहले वाले को सेका है, सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको भी सेकेंगे। ढक्कन लगा के ढक दिया, एक साइड से पक चुका है, सिक चुका है। अब दूसरी साइड इसको पलटेंगे और पलट के दोनों साइड से हम इसको बहुत अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। और काली मिर्च का जो फ्लेवर है ना, वो इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें कोई लाल मिर्च ऐड नहीं की है। बस हमारे टोस्ट तैयार है। इसको टिफ़िन में बहुत ईजीली आ जाए, इसलिए इसको मैं ट्राइंगुलर पीसेस में कट करी हूँ, बीच में से एक कट लगाया। फिर दूसरे साइड से हम इसको कट करेंगे इसके कॉर्नर्स को लेकर, तो हमें ट्राइंगुलर पीसेस मिल गए हैं। अब इन ट्राइंगुलर पीसेस को हम टिफ़िन में बहुत आसानी से पैक कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद एकदम गरम गरम नहीं करेंगे, क्योंकि गरम गरम करेंगे थोड़ा पसीज जाते हैं टिफ़िन में। बस साथ में आप अपने मनपसंद कोई चटनी, सॉस जो रखना चाहें वो ऐड कर दीजिएगा बच्चे के साथ। मैं तो इनको हेल्दी है इसलिए एक चटनी दूंगी ग्रीन, और मैंने आपको टिफ़िन में पैक करके नहीं दिखाया क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सिर्फ बना के मैं आपको ऐसे ही सर्व करके दिखा रही हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो ऐसी और रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।